आतिशबाजियां, रॉकेट, सुतली बॉम्ब और तमाम तरह के पटाखों के साथ आसमान में धुआं ही धुआं। दिवाली के दिन कुछ ऐसा ही हाल था राजधानी दिल्ली का, जिसका नतीजा ये हुआ कि दिवाली की अगली सुबह यानी कि गुरुवार को दिल्ली धुंध की मोटी चादर से ढक गई। यहाँ सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई और इसका असर ये हुआ कि गुरुवार को दिल्ली की हवा की क्वालिटी और भी खराब हो गई। दिवाली के बाद की सुबह दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 374 तक पहुंच गया, जो कि बहुत ही खतरनाक श्रेणी में आता है। कई जगह ये आंकड़ा 999 तक देखा गया, जो खतरनाक से भी कहीं ज्यादा है। दिल्ली NCR में लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की परवाह किए बगैर जमकर आतिशबाजियां की, जिससे प्रदूषण का स्तर बढ़ गया। पहले से ही गैस चैम्बर में तब्दील दिल्ली दिवाली पर बढ़े प्रदूषण की वजह से और भी जहरीली हो गई। दिल्ली को प्रदूषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाले लोगों पर पुलिस ने जमकर एक्शन भी लिया, लेकिन बावजूद इसके दिल्ली की हवा को और ज्यादा खराब होने से नहीं बचाया जा सका। पुलिस ने दिवाली की रात पटाखा चलाने वाले 323 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया, तो साथ ही 562 मामले दर्ज भी किए गए। पुलिस ने अवैध पटाखे रखने वाले भी 75 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत।